हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल में आपका बहुत बहुत वेलकम है व्यूवर्स। यहाँ पे तीन फाइल रखे रहेंगे, तीनों में से कोई नंबर वाइज चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि चुने एक कार्ड और ये कार्ड आपके बारे में क्या कहता है। यहाँ पे तीन फाइल रखे रहेंगे दोस्तों, तीनों फाइल में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके बारे में क्या एक बात कार्ड कह रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जल्दी से चुन लीजिए। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आप में कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। रिलेशनशिप आर अबाउट बैलेंस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने रिश्तों को अच्छे से निभा रहे हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में अगर बैलेंस बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं, और आपको बनाने की ज़रूरत भी है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो आपकी लाइफ जो है और भी अधिक ग्रो करेगी, आपकी जो रिश्ते हैं और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत बनेंगे। यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है कि आप अगर दोनों रिलेशन कैसा भी हो सकता है, ये जैसे रिश्ते आपका मम्मी पापा के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, लवर के साथ हो सकता है, जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, तो उसमें ज़रा भी थोड़ा भी अगर इनबैलेंस हो रहा है तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपका जीवन ढेर सारा सुख समृद्धि लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा और प्यार लेकर आएगा। इसमें लिखा है द बेस्ट रिलेशनशिप आर यू रिस्पेक्टफुल बैलेंस इन ब्रिंग एंड हैविंग फन टुगेदर जस्ट बिकॉज यू इन्जॉय बींग टुगेदर एंड सीइंग ईच अदर ग्रो। अगर आप अच्छे से निभाते हैं किसी भी रिश्ते को जी जान से जीते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही ग्रो करेगा और आपका रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। देख रहे हैं यहाँ पे एक माँ है अपने बच्चे को लेकर कैसे अपने रिश्ते को निभा रही है, प्यार भरा रिश्ता निभा रही है। यहाँ पर भी एक डॉल्फिन है, एक छोटी डॉल्फिन है, वो भी अपने बच्चे के साथ कितना अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग कर रही है, मजबूत कर रही है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने रिश्ते में बैलेंस लाना है, मजबूती लाना है, तभी आपका लाइफ जो है ग्रो करेगा और उसमें सुख समृद्धि शांति और प्रेम भी आएगा। ये कार्ड आपके लिए बोला है, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या बोल रहा है। द साउंड ट्रैक ऑफ लाइफ योर लाइफ, यानी यहाँ पे दिया गया है कि आप जो अपने जीवन में जितने भी साउंड हैं, जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, जितनी भी सुख या दुख हैं, अगर आप उसको सुनेंगे, उसको पार करेंगे, तब जाके आपकी लाइफ जो है खुशियों से भरेगी। इंसान के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, दोनों में समान रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इंसान खुशियों में ज़्यादा खुश रहता है, दुखी में ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है अपने जीवन के साउंड को सुनो, यानी अपने जीवन के परिस्थितियों को, यानी जो भी परिस्थिति है उसको सुनो, उसके आवाज़ को महसूस करो, उसको अपनाने की कोशिश करो, उस आवाज़ से भागो मत, जीवन की परिस्थितियों से आप भागो मत, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसको एक नया रूप दो, नया सोच दो, समझने की कोशिश करो और उसको पार करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये दिया गया, यहाँ पे परिस्थितियों की बात हो रही है, तो हर परिस्थितियों में अपना करेज बनाओ, साहस बनाओ, तब जाके आप अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को इंजॉय कर पाओगे, आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगा। यहाँ पे दिया गया है व्हाट यू गिव योर एक्शन टू शेप योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड डिस मनी एंड चूज़ टू लिसन टू व्हाट गिव योर जॉय। आप अपने जीवन को जिस आकार में, जिस शेप में, जिस परिस्थिति में देखना चाहेंगे, आपकी जो आँखें हैं उसी रूप में देखना चाहेंगी और आप उस जीवन को अच्छे से जॉय कर पाएंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। ये सेकंड ऑप्शन के लिए आपके बारे में बताया गया है। देखते हैं थर्ड ऑप्शन आपके लिए क्या लिखा गया है। सिल्वर लिनिंग एंड रेनबो, यानी यहाँ पे दिया गया है कि आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्रकाश आ रहा है, ढेर सारा लाइटिंग आ रहा है। लाइटिंग का मतलब
यहाँ पे आपके जीवन में लाइटिंग का मतलब है खुशियों से भर जाना, प्रकाश से भर जाना, और रेनबो का मतलब है जीवन में सातों खुशियाँ, सातों जीवन के सातों रंग आपके जीवन में खुशियों में भरने वाले हैं। आप उसको ग्रेप करिए, उसको पकड़ने की कोशिश करिए, उसको छोड़ने की कोशिश मत करिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में अचानक वो खुशियाँ आएंगी जो आप ग्रेप करते करते आप हार जाएंगे, और आपका जीवन खुशियों से, जॉय से, हैप्पीनेस से और रेनबो से भर जाएगी, और आप देखते ही रह जाएंगे कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। यानी आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसा मिरेकल हो रहा है, कोई ऐसा चमत्कार हो रहा है जो आपके लिए होना ही था। यानी आप अपने अंदर से अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये दिया गया है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ढेर सारा खुशियाँ हैं, रेनबो है, और आप एक प्रकाश की तरह चमक रहे हैं, और एक आप जीवन में बहुत ही सक्सेस और सफल हो रहे हैं। यानी पॉजिटिव वाइब्स आपके जीवन में आ रही हैं और आप शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है लाइक लाइफ इन सेल्फ नेचर हिट सिल्वर लिंगिंग एंड रेनबो इन मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस लर्न टू टुक आउट द आउट फॉर देम द मोर यू सी द मोर यू ऑल सी। यानी आप जैसे एक आप शिप को देखें, शिप में कितनी चमक होती है, कितनी शाइनिंग होती है, जैसे लगता है उसमें रेनबो के सातों रंग चमक रहे हैं, ठीक उसी तरह अगर आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, अपने आप को समझते हैं, सेल्फ लव करते हैं, प्यार करते हैं, दूसरों को भी जॉय देते हैं, तो आप एक खुद को खुद के अंदर देखेंगे कि मैं कितना शाइन कर रहा हूँ, कितना चमक रहा हूँ और कितना मैं सक्सेस हूँ। यही कहने का तात्पर्य है थर्ड ऑप्शन। अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्लाई कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।